हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है। मेरी किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कांजी वड़ा बनाने जा रही हूँ। चलिए हम कांजी वड़ा बनाना शुरू करते हैं। कांजी वड़ा जो बहुत समय से लोगों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही लोग मज़े से इसे बड़े चाव से खाते हैं और पीते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी पीस लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसे हम जार में डाल देते हैं। एक हरी मिर्च डाल देते हैं। ये अदरक के पीसे इसे ऐड कर देते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देते हैं। ये एक चम्मच अमचूर पाउडर इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं। एक चम्मच पानी ऐड कर देते हैं। ये हरे धनिया की चटनी पीस चुकी है। आप चाहें तो इसमें थोड़े पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। मैं मूंग की दाल के वड़े बनाने जा रही हूँ। अक्सर लोग मूंग और उड़द की दाल को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उड़द की दाल को अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं आज मूंग की दाल के वड़े बनाने जा रही हूँ। मूंग की दाल के वड़े हम दही भल्ले में इस्तेमाल करते हैं, कांजी वड़ा में करते हैं और सांभर वड़ा में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं और लोग सब्जी को बहुत ही चाव से खाते हैं और इसके पकौड़े बनाकर हरे धनिया की चटनी के साथ भी खाते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है। इसको मैंने 10 घंटे भिगो के रख दिया था। दाल खूब अच्छे से फूल चुकी है। दाल को हम जार में डाल देते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। महीन कटा हुआ अदरक है इसे हम ऐड कर देते हैं। एक हरी मिर्च है उसको हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया है उसे हम ऐड कर देते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसे गाढ़ा गाढ़ा ही पीसना है। देखिए हमने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसको बहुत ही महीन पीसेंगे। इसमें हरे धनिया और अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इस बैटर को 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें खमीर उठ जाए। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इसके हम बड़े बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे ऐसे इस तरह से, और इसको हमें गोल गोल करके डाल दे जाना। इस तरह से हम डालते जाएंगे। ये अब धीरे धीरे गोल्डन कलर के होते जा रहे हैं। हमने गैस को बहुत धीरे किया हुआ है, इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए। वैसे तो इसमें थोड़ा खमीर उठ चुका है, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, फिर भी हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। देखो हमने छोटे छोटे डाले थे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हमने इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला और एकदम से फूल गए हैं। इनको हमें धीमी आंच पे पकाया है। इनका कलर चेंज हो चुका है, अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने बड़े तल लिए। बाकी बड़े भी हम इस तरह से तलते जाएंगे। देखिए हमने छोटे छोटे डाले थे, फूल के इतने बड़े बड़े हो गए हैं और पानी में डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी बना सकते हैं। अब इनका कलर चेंज हो गया, गोल्डन कलर के हो गए हैं। इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है और गरम गरम वड़ों को पानी में डाल देंगे और 2 से 3 घंटे तक भिगे रह देंगे ताकि एकदम से सॉफ्ट हो जाए। इनको हम थोड़ा निचोड़ लेते हैं, ये सॉफ्ट और स्पंजी बने एकदम से। हमने यहाँ पर 2 गिलास ले लिए, एक में हम खट्टा पानी बनाएंगे और एक में हम मीठा पानी बनाएंगे। ये इमली का पानी है जिसे हमने 2 घंटा पहले ही
इमली को भिगो के तैयार किया था, 2 चम्मच इसमें ऐड कर देते हैं। हरे धनिया की चटनी जो हमने अभी फ्रेश बनाई थी वो 1-1 चम्मच ऐड कर देते हैं। गुड़ इमली की चटनी जो हमने पहले से बना के रखी थी 2 चम्मच ऐड कर देते हैं मीठे पानी में। थोड़ी थोड़ी हींग दोनों गिलासों में ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा चाट मसाला दोनों में ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा काला नमक दोनों गिलासों में ऐड कर देते हैं। आधा नींबू का रस दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। दोनों गिलासों में आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। वड़ों को थोड़ा सा निचोड़ के दोनों गिलासों में 1-1 डाल देते हैं। अब इसमें हमारे सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। जो हमारा मीठा पानी है इसमें मैं गुड़ इमली की चटनी 1 चम्मच और ऐड कर देती हूँ। दोनों पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें टेस्ट करके देखा है, इसमें थोड़ा नमक कम है, दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देते हैं। ये हमारा कांजी वड़ा बन के तैयार हो गया है। इसका पानी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब है, बिल्कुल बाजार जैसा है। यही पानी पानी फूलों में और गोलगप्पों में इस्तेमाल होता है। आप लोग इसे घर में बना के जरूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। मेरे वीडियो चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।